हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर थ्रेडिंग टूल का रिव्यू एंड इसका डेमो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वाली हेयर थ्रेडिंग टूल मैंने परचेज़ की है, मैंने ये फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है। वैसे तो मैं अपने आईब्रोज एंड अपर लिप्स खुद से ही करती हूँ, जो नॉर्मल थ्रेड होता है उसी से करती हूँ। बट बहुत बार ऐसा होता है जब आप खुद से थ्रेडिंग वगैरह करते हैं तो आपकी स्किन यहाँ की जो होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, तो कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैंने ये टूल परचेज की है। तो इसकी प्राइस क्या है, कितने परसेंट डिस्काउंट में मैंने इसे परचेज किया है, इसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है, तो सारी डिटेल्स मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। वेदर ये वर्क करती है कि नहीं, आपको परचेज करना चाहिए कि नहीं, तो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर जरूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर से हिट कर दें, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच जाए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो ये जो हेयर थ्रेडिंग टूल है, इससे आप अपने अनवांटेड हेयर जो भी है फेस पे, लाइक आईब्रोज के, चिन के, फिर साइड बर्न्स जो है, लेग्स के, आर्म्स के, सब जगह के आप रिमूव कर सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता है कि इस टूल से आप अपने हैंड्स के एंड लेग्स के हेयर रिमूव कर सकते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। बट ऑफकोर्स आप अपने अपर लिप्स एंड थ्रेडिंग इससे कर सकते हैं, लाइक आईब्रोज वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अंदर से मैं दिखा देती हूँ कि किस तरीके की ये टूल है। तो अंदर से कुछ इस तरीके की है ये, इस तरीके से ये मुझे रिसीव हुई है। इसके अंदर ये थ्रेड लगा हुआ ही था, तो कुछ इस तरीके की टूल है ये। तो मुझे ये टूल काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी, बिकॉज इसके अंदर इस तरीके से जो थ्रेड है, तो इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसे इस तरीके से ओपन करके इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जब आप नॉर्मल थ्रेड करते हैं यूज़, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कट्स वगैरह होने के, तो इसमें आप इस तरीके से इजीली अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं, उसके बाद आप थ्रेड कर सकते हैं। तो इस टूल के साथ मुझे ये थ्रेड का सेट भी मिला है, अगर आपका ये थ्रेड टूट जाता है तो इजीली आप इसमें से थ्रेड निकाल के उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर 10 थ्रेड आपको दिए जाते हैं, कुछ इस तरीके का थ्रेड आपको मिलता है। अगर आपकी जो थ्रेड है जब आप थ्रेडिंग वगैरह करते हैं तो टूट जाती है, तो ये वाली थ्रेड आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी मिलता है, जिसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी हुई है कि किस तरीके से आपको इसे यूज़ करना है, और थ्रेड जो है वो अगर टूट जाता है तो किस तरीके से आप उसे चेंज कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले मैं दिखा देती हूँ कि आप इसका अगर थ्रेड है आपको चेंज करना है तो किस तरीके से आप करेंगे। तो यहाँ जो ये थ्रेड लगी हुई है, तो यहाँ से आपको इसे निकालना है, इस तरीके से आप निकाल लेंगे। इस साइड से भी आपको इसी तरीके से निकालना है, तो ये देख सकते हैं ये निकल गई है, एंड ईजिली आप यहाँ का थ्रेड निकाल सकते हैं। तो जब हम नया थ्रेड हमको वापस से लगाना है, तो अगेन जो ये मोती यहाँ पर लगा हुआ है, इसको हम इस एंड में, ये जो एंड है इसके अंदर लगाएंगे, कुछ इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम थ्रेड डालेंगे, उसके बाद ये थ्रेड जो है हम यहाँ पर इसके यहाँ पर लेके आएंगे, यहाँ पर मैंने डाल दिया, एंड उसके बाद में सेंटर में यहाँ पर आपको फिक्स करना है, इस तरीके से आपको फिक्स करना है, एंड उसके बाद अगेन यहाँ से आपको लेना है, एंड उसके बाद में आपको ये जो थ्रेड है इस थ्रेड के आगे पीछे ट्विस्ट करना है। तो इस वक्त आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट आपको यहाँ से थ्रेड को आप इस तरीके से पकड़ लें, एंड उसके बाद यहाँ पर आप 2-3 बार इसको ट्विस्ट कर लें। ज़्यादा बार ट्विस्ट मत करिएगा, बिकॉज अगर ज़्यादा बार आप ट्विस्ट कर लेंगे तो आपका जो थ्रेड है दूसरे एंड में अटैच नहीं हो पाएगा। तो 4-5 बार आप इसे रोटेट कर सकते हैं, जब तक आपको लगे कि आपका थ्रेड जो है वो टाइट ना हो जाए। तो इस तरीके से मैंने इसे फिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं ये इस तरीके से वर्क करेगा। जब आपको लगता है कि आपका थ्रेड जो है वो लूज हो रहा है, तो यहाँ से आप इसको रोटेट करेंगे इस तरीके से, तो आपका जो थ्रेड है वो टाइट हो जाएगा। तो चलिए अब मैं आपके साथ इसका डेमो भी शेयर कर देती हूँ कि वेदर ये वर्क करता है कि नहीं। तो पहले मैं आपको अपर लिप्स करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है मेरे अपर लिप्स में, फिर भी इस टूल से काफ़ी हद तक जो हेयर है वो रिमूव हो जा रहे हैं। तो इजीली आप इससे अपने हेयर जो है वो अपर लिप्स के रिमूव कर सकते हैं, बट आपको इस तरीके से अंदर से आपकी टंग से अपनी स्किन जो है वो स्ट्रेच करके रखनी होगी। जैसे कि नॉर्मली हम थ्रेडिंग करवाते हैं, अपर लिप्स करवाते हैं, तो अपनी स्किन को स्ट्रेच करके रखते हैं। एंड अगेन यहाँ पर मेरा जो थ्रेड है वो लूज़ हो गया, तो इससे मैंने टाइट किया है इस तरीके से।
तो 2-3 बार यहाँ पर मुझे थ्रेड को टाइट करना पड़ा, बिकॉज़ बार बार ये लूज़ हो जा रहा था, बट फिर भी जो हेयर है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जा रहे थे। तो अब मैं अपने आईब्रोज आपको करके दिखा देती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आईब्रोज जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई हुई है, बट थोड़े बहुत जो एक्स्ट्रा हेयर है मैं इससे रिमूव करके आपको दिखाऊंगी। तो आप इसे अपने एक हाथ से स्ट्रेच भी कर सकते हैं अपनी स्किन को, और दूसरे हाथ से आप ये टूल यूज़ कर सकते हैं। बट जब आप ये टूल यूज़ करते हैं और आपके आईब्रोज के हेयर जो है वो रिमूव करते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज आपकी स्किन जो है वो कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा आप देख सकते हैं। तो आईब्रोज करते हुए आपको अपनी स्किन को स्ट्रेच करके रखना है एक हाथ से, उसके बाद ही आईब्रोज करने हैं, अदरवाइज़ आपके कट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसी तरीके से जो भी एक्स्ट्रा हेयर मैं रिमूव कर लूँगी। तो मेरे आईब्रोज में जो भी एक्स्ट्रा हेयर थे वो मैंने रिमूव कर लिए हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक क्लीन कर लिया है। एंड जो फ्रंट के एरिया के आईब्रोज हैं उनको मैं थोड़ा कट कर लूँगी सीज़र की हेल्प से कुछ इस तरीके से, ताकि वो क्लीन लगे। एंड जो भी बहुत ही छोटे छोटे हेयर है जो थ्रेड में नहीं आ पाए, तो उनको मैं प्लकर की हेल्प से हटा लूँगी। आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे छोटे हेयर थे, तो वो थ्रेड में बिल्कुल भी नहीं आ पाते और कट होने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाती, तो आप उसको इस तरीके से प्लकर से हटा सकते हैं। ये जो हेयर थ्रेडिंग टूल है इसके लिए मेरे मिक्स्ड रिव्यूज है, मुझे ये हेल्पफुल भी लगी, बट मुझे ये थोड़ा सा प्रोसेस जो है वो स्लो भी लगा, थोड़ा टायरिंग सा लगा। बट मुझे थ्रेडिंग आती है इसीलिए मुझे ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो लगा और बहुत ही टायरिंग लगा। बट अगर आप बिगिनर है तो आपके लिए ये टूल जो है काफी हेल्पफुल हो सकती है, बिकॉज आप बहुत ही केयरफुली एंड स्लोली करेंगे तो आपके हेयर जो है आप थोड़ी थोड़े करके रिमूव कर सकते हैं, तो इजीली आप इससे थ्रेडिंग कर सकते हैं। ताकि जो मेरे हेयर है वो काफी रिमूव हुए, इस साइड में मुझे नॉर्मली जब मैं थ्रेडिंग करती हूँ तो मुझे काफी दिक्कत होती है, लाइक स्किन कट वगैरह होने का काफी चांसेस होता है। यहाँ पर जब मैंने ये टूल अप्लाई की तो एक हाथ से मैं अपनी स्किन को स्ट्रेच कर सकती हूँ और उसके बाद ये वाली टूल यूज कर सकती हूँ, तो उस तरीके से ये मेरे लिए हेल्पफुल भी रही। बट अपर लिप्स के लिए मुझे ये काफी टायरिंग लगा, बिकॉज मैं नॉर्मल थ्रेड से काफी फास्ट कर लेती हूँ एंड इससे मुझे काफी स्लोली करना पड़ा। एंड जो प्रॉब्लम मुझे इसके साथ फेस करनी पड़ी वो कि इसका थ्रेड जो है बहुत बार लूज हो जा रहा था एंड मुझे बार बार इसे टाइट करना पड़ रहा था, तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब सा लग रहा था, बिकॉज बहुत बार ऐसा है कि ये लूज हो जा रहा है फिर से मैं इसे टाइट कर रही हूँ, लाइक 1-2 यूज इस तरीके से अगर मैंने किया उसके बाद ये लूज हो जा रहा है, फिर से मुझे इसे टाइट करना पड़ रहा था। तो नॉर्मल थ्रेडिंग मैं करती हूँ तो बहुत ही फास्ट हो जाता है, बट अगर आप बिगिनर हैं तो इसे डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज इससे आपके कट वगैरह होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। अपर लिप्स वगैरह करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली इससे हो जाएगा, तो आप इसे डेफिनेटली बाय करके ट्राई कर सकते हैं। आपके फेशियल हेयर भी आप इससे रिमूव कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, सो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय।